दिन माता काली होता है। सारा दिया अभी जाएगा छत पे, नीचे सब जगह भी, मतलब कॉर्नर पे रख दिया है, इधर भी इधर भी इधर भी, और अभी ऊपर वाली छत पे जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सरिकास। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे। और आज दिवाली, तो सुबह सुबह मैं तो रोज सुबह ही नहाती हूँ, तो शैम्पू वगैरह कर ली हूँ, और हम लोग भी आज ही दिवाली मना रहे हैं, मतलब 31। और सभी लोग से मैंने कल पूछा था तो सभी लोग बताए थे 31 और 21 भी, तो एक को कम मतलब बता रहे हैं, और हम लोग भी तो आज ही मना रहे हैं। हम लोग का प्लान था कल 1 तारीख को मनाने का, लेकिन उन्होंने कि नहीं आज ही मनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारा लक्ष्मी पूजा भी होगा, पंडित जी भी आएंगे, हाँ दुकान पे अभी दुकान को सजाया जा रहा है, नीचे केले का पेड़, इसके बाद फूल वगैरह लगा के, हर साल हम लोग के यहाँ पे होता है वैसा। तो मिष्टवा तभी नीचे है, और मैं नाश्ता बना रही थी हल्का फुल्का कुछ, इसके बाद फिर जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी और सिंपल सा, और रात के लिए डिनर कुछ स्पेशल बनाऊँगी, तो वो मैं तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि थोड़ा वीडियोस के बाद फिर पूजा वगैरह होगा, वो सब दीप वगैरह भी जलाना है और छुरछुरी भी जलाना है। तो चलिए फटाफट मैं काम कंप्लीट करती हूँ। बाबू फिलहाल अभी सो रहा है वहाँ पे झूले पे, इसीलिए आराम से सब काम कर रही हूँ, तो फिर आप लोगों से मैं बाद में मिलूँगी। पहले हेलो एवरीवन, तो हम लोगों के पंडित जी 3 बजे आएंगे। बहुत मन था कि शाम को पूजा होता तो अच्छा लगता, लेकिन 3 बजे आएंगे तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत जगह पूजा करना है इसी वजह से। और यहाँ पे बहुत सारा सामान आ गया है पूजा का, सब कुछ नीचे लेकर जाना होगा। यहाँ पे भगवान जी का सारा सामान आ गया है, ये हमारे इसी में हमारा पूजा होता है, हम लोग नया खरीदते नहीं है पीतल में, तो इसे मैं अच्छे से धो के चमका दी हूँ, और मम्मी सब लेकर आ गई है नीचे। और ये मैंने पीस के यहाँ पे रखा हुआ है, ये है चावल मैंने पीस के रखा हुआ है, अरवा चावल जो होता है, इससे मैं अल्पना दूंगी। बहुत को रंगोली बनाते हैं, लेकिन इस साल मुझे ना मौका नहीं मिला, तो पिछले साल बहुत कुछ सोच के रखी हूँ कि करूँगी, और पिछले नहीं अगले साल करूँगी सोच के रखी हुई हूँ। और सबसे पहले जब मैं यहाँ पे थी, बाबू जब नहीं था, तो उस टाइम में बहुत सारा रंगोली वगैरह बनाई थी, लेकिन इस टाइम नहीं मिला था, बाबू पिछले साल था पेट में तो उतना नहीं कर पाई थी मैं, और इस बार भी है तो उसके मतलब कि तबीयत भी ख़राब है, नहीं रह रहा, तो इसी वजह से तो भी सोच रही हूँ कि इससे कुछ करूँगी, स्वास्थ्य वगैरह बना दूँगी। मैंने पीस के रखा हुआ है, इससे पूरा वाइट बनता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए, और फिर तैयार भी होना है जल्दी से, इसके बाद दीप वगैरह जलाना है, बहुत कुछ करना, खीर बनाना है, और आलू दम बना के रख दी हूँ मैं, ये रहा मेरा आलू दम बन के तैयार है, और आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा पहले मैंने बना दिया है। ये सब्जी बनाने का झंझट तो है, खीर चढ़ा दूंगी तो होते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एवरीवन, तो हम साधारण रेडी हो चुके हैं, और ये इनका मेकअप शेकअप अभी चल रहा है। पहले सूट दिखा दीजिए, ये रहा इनका नया सूट, कहाँ से लिए हैं, नहीं लिए हैं आप लोग को बताएंगे आराम से। अच्छा है सूट, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, अच्छा लग रहा है देखने में। अब कुछ फिटिंग नहीं करवाया ना, कुछ भी नहीं करवाया, हो गया है ऐसे, हो गया है, बहुत अच्छा है, कपड़ा ही बहुत सॉफ्ट है। और अभी टाइम बज रहा है 2:15, और अभी पंडित जी आ चुके हैं बगल वाले घर में पूजा कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पूजा करेंगे। इस साल फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जल्दी पूजा पाठ हो रहा है, नहीं तो इससे शाम में 5-6 बजे होता है, अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम सिर्फ थोड़ा दिक्कत हो रहा है सामान सब रेडी करने में, और बाबू भी है इस वजह से थोड़ा सा मतलब एक आदमी बाबू के पीछे चाहिए, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि वो रह नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है बहुत, और फिलहाल अभी स्लीपिंग मोड में है, और तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि सर्दी खांसी है, इस वजह से रहता नहीं है सही से। चलिए चलते हैं दुकान में, आप लोगों को दुकान में जो सजावट है वो भी दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए आप लोग।
हे गाइस, तो हमारे दुकान में बहुत डेकोरेशन हुआ था, बहुत केमिस्ट बहुत अपने हाथ से किए थे, क्योंकि सर फूल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इसी वजह से, मतलब जो गेंदा का फूल होता है वो नहीं मिल पा रहा था, तो ये खुद से अपने हाथ से सजाए थे बलून से। और मैं यहाँ पे आ गई थी नीचे तैयार होके, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अल्पना जो होता है उसका तैयारी करी थी देने के लिए। हम लोगों के है ना थोड़ा जल्दी पूजा हो गया था तो बहुत हड़बड़ी हो गया था, तो कोई नहीं लेकिन हो गया था। तो यहाँ पे मिस्टर वर्मा डेकोरेशन किया, कैसा लगा कमेंट बताइएगा। और मुझे तो अच्छा लग रहा था, सिंपल सा है लेकिन अच्छा है, अभी छठ पूजा तक रहेगा ये सब। और ये बाहर केले का पेड़ लगाए हैं, और गुल्लू अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ है बाहर। और बाबू को मैं नया कपड़ा पहना दी थी, उसके नानी वाला कपड़ा। और यहाँ पे सब डेकोरेशन हो गया है चारों तरफ, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा लग रहा था। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और कल तो वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई हूँ, क्यों जानबूझ के नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था सभी लोग तो अपने दिवाली में व्यस्त होंगे इस वजह से नहीं देखेंगे। आज भी दिवाली है, आज 1 तारीख है, और मेरा दिवाली कैसा गया आप लोगों को बाद में पता चलेगा, बाद में बताऊँगी आराम से। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए थे पूजा करने के लिए, तो दुकान में सबसे पहले पूजा होगा, हर साल दुकान में पूजा होता है, तो आकाश ही बैठते मतलब मेरे देवर जी। तो मैंने यहाँ पे पैर का छाप बनाया था, लक्ष्मी माता के चरण बनाए थे, लेकिन नहीं हुआ था ठीक से, कोशिश कर रही थी, लेकिन और सब बनाए थी, ऊपर भी बनाए तो आप लोगों को दिखाऊँगी मतलब छत पर, तो ये वाला बनाए थे, नीचे उतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे गुल्लू अपने दादी के साथ बैठा हुआ था, बैठ के पूजा देख रहा था। और मैं यहाँ पे आप लोगों को नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं ऊपर चली गई थी थोड़ा बहुत अल्पना देने के लिए, तो वो सब डेकोरेशन कर रही थी, डेकोरेशन मतलब क्या, वही सब दे रही थी अल्पना, और जितना हो सका उतना कर रही थी। और दीप भी जलाना था, दीप जलाते रहते ना ऊपर नीचे हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ तो आप लोग क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर, और मिस्टर भगत यहाँ पे मेरे साथ थे, शूट कर रहे थे वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, पाएगा कि हम हाथ लगाएं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये ड्रेस मैंने मीशो ऐप से लिया है ऑनलाइन, और बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। आप लोगों को अगर लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगी लिंक इसका। और यहाँ पे चलिए आप लोग देखिए वीडियो और कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद फिर से मिलूंगी। इतना वेट नहीं करेगा कोई, जल्दी बोलिए। चावल का है, उसको पीस के बनाया, बता चुके हैं हम। और अभी नीचे पूजा हो रहा है, नीचे चलते हैं, इनको करने दीजिए यहाँ पे काम। ओम अग्निदेवता भ्योर्म स्वाहा, नमो देवाय भ्योर्म स्वाहा, नवग्रहादि भ्योर्म स्वाहा, ओम भूमाय भ्योर्म स्वाहा, ओम पृथ्वीचो भ्योर्म स्वाहा, निसर्गदेवता भ्योर्म स्वाहा, नमो देवाय भ्योर्म स्वाहा। और यहाँ पे हो रहा था आरती, पूजा कंप्लीट हो गया था, तो मैं अब नीचे देखूंगी आप लोगों को। मैं ऊपर थी ना तो फटाफट शॉर्टकट में पूजा हो जाता है, क्योंकि पंडित जी को भी कहीं पे और जाना पड़ता है इसी वजह से। जब समझे इतना रगड़ला के बाद है नहीं के छूटल है या सिंदूर का पोछी सिंदूर में मतलब मिला दे तरसन। अब ये आदमी वैसे तो खा हो जाता है ना, आदमी मांग में लगाई है दिन ये 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 ना ये ना बोल हे गाइस, तो अभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अल्पना जो होता वो दी हूँ, और जितना हो पाया उतना की हूँ, और आप लोगों को मेरा फुल लुक दिखाऊंगी अच्छे से, और ये सूट मैंने कहाँ से लिया है वो भी बताऊंगी, मैंने कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए, अभी तो शाम होने में लेट है, अभी तो 4 बज रहे हैं, तब तक सबको तैयार कर लेती हूँ, डिनर का तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खीर बना लूँगी, पूड़ी बनाना है उसका, उसके लिए मैदा वगैरह गूँथ के रख दूँगी, सब प्रिपरेशन करके रख दूँगी, और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा कैसा हुआ है।
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे से की हूँ, और यहाँ पे स्वास्तिक, यहाँ पे स्वास्तिक, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देती हूँ, और माँ लक्ष्मी का चरण बनाई हूँ, और अभी ऊपर जाना है, ऊपर जाके अच्छे से बनाना है, यहाँ पे रखा हुआ है दोनों। गाइस तो अभी मैं बनाऊंगी खीर और सब्जी तो बनाई नहीं थी, पूरी बनाऊंगी, पूरी के लिए आटा सान लूंगी, और यार दूध उबला लेकिन चावल नहीं, तो मम्मी गई चावल लाने के लिए, तो मेरा चेहरा फिर जैसे तैसे हो गया है क्योंकि मैं जल्दी रेडी हो गई थी, जल्दी पूजा था, ठीक कर लूंगी वीडियो बनाने से पहले, शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी, भूख भी लग गया तो थोड़ा बहुत खा रही हूँ, और बाबू बहुत ज़्यादा आजकल रोता है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और खीर के लिए चावल आ रहा है, चावल बना खीर बनाऊंगा। बाबू अभी सो रहा है, और मिश्रित क्या बना रहा है दिखाते हैं, और मिश्रित बना रहे हैं कुछ स्पेशल। क्या स्पेशल बना रहे हैं? क्या बना रहे बता दीजिए। खीर बना रहे हैं, पूड़ी बन रहा है, बनेगा, बन रहा है यहाँ खीर। अपने गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और अभी मिस चेती दिया सब में पत्ते डाल रहे हैं, इसमें घी डालिएगा नहीं तो तेल डालेंगे। अच्छा तेल डालिएगा, घी वाला पूजा में चढ़ चुका है। और ये एक स्पेशल दिया है जो कि फोटोशूट करने के लिए हम लोग लिए हैं, ऐसे हाथ में रख के, ये हम लोग दुर्गा पूजा में लिए थे मेला से, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मिट्टी का दिया ही शुभ होता है। मिट्टी का दिया ही सारा दिया अभी जाएगा छत पे, नीचे सब जगह भी। और हमारे मोहल्ले का माहौल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब तरफ लाइट ही लाइट है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा रोशनी रोशनी। हेलो एवरीवन, तो अभी आ गए हैं छत में बाबू के साथ, बाबू अभी बहुत इंजॉय कर रहा है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोल दीजिए, हैप्पी दिवाली। और अभी बाबू की मम्मी दिया जला रहे हैं सारा द्वार में, और बाबू थोड़ा देर पहले एक दो घंटा पहले बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था, कभी कभी इतना ज़ोर से रोता है ना, चिल्ला चिल्ला के गला सब छिला जाएगा, लेकिन समझ ही नहीं आता क्यों रोता है, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। सब जगह दे दीजिए, जला ही नहीं है, अरे यार बुझ जाएगा ना उसे। श्रुति ने सारे दिए को छत पे साइड पे मतलब कॉर्नर पे रख दिया है, इधर भी इधर भी इधर भी, और अभी ऊपर वाली छत पे जाएंगे, ऊपर वाले में रखेंगे थोड़ा हम लोग इधर उधर। नीचे देखे आ जाए पता है, हाँ। ऊपर हम लोग जा रहे हैं, सब जगह दे दिए है दिया सब द्वार में, यहाँ भी पीछे घर में भी उधर भी, अच्छा लग रहा है यहाँ पे छत पे फिर से। श्रुति और हम आ गए हैं ऊपर, ऊपर से नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लाइट पूरा लाइट,
और इधर कुछ दीपक भी जला दिए हैं, एक उधर एक इधर। वो दरवाजा बस दे दीजिए वहाँ पे, उधर उधर जरूरत नहीं देने का, गली में गिर जाएगा किसी का बॉडी में, या गेट पास दे दीजिए बस हो जाएगा। दिखाइए, और गाइस, और हम लोग वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाए थे, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक पटाखा तक हम लोग नहीं जला पाए थे, ना ही छुरछुरी जला पाए थे, कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैं नीचे आ गई थी डिनर बनाने के लिए, इसलिए मेरा मूड थोड़ा ऑफ था। पहला दिवाली मेरा ऐसा है कि एक भी ऐसा, मतलब कि एक माचिस तक नहीं जलाई मैं छुरछुरी वगैरह जलाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कल वीडियो अच्छा से कुछ भी नहीं बन पाया, शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत मन था और वीडियो शूट करने का, लेकिन एक ही वीडियो शूट कर पाई थी और शॉर्ट्स कुछ भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा कल रो रहा था और उसका तबीयत ठीक नहीं है, और इसी वजह से तो रह ही नहीं रहा है, कभी समझ नहीं आता उसे क्या हो जाता है कभी कभी, और तबीयत भी ठीक नहीं है, किसी का भी घर में तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से कल बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। एक पटाखा तक भी नहीं जला पाई, ना इतना सारा हम स्टार्ट लेकर आए थे कि हम लोग वीडियो वगैरह बनाएंगे और जलाएंगे, आज भी रखा हुआ है वैसा का वैसा, इसी वजह से। और जल्दी जल्दी मैं ऊपर से आके पूरी वगैरह बनाने लगी, फिर बाबू को दूध वगैरह पिला के फिर सुला दी, तो और मिष्टवत का भी सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह उठते ही मतलब हम लोग काम में लग गए थे, इस वजह से तो वो सो गए, कुछ भी नहीं हो पाया था, कुछ भी नहीं। पहला दिवाली ऐसा था कि कुछ भी नहीं कर पाई, और अभी भी सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सुबह से कान ये सब दोनों कान भी बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, दो तीन बार विक्स भी लगा चुकी हूँ तो भी ठीक नहीं हो रहा है। घर में सबको सर्दी खांसी हो गया है, बाबू को तो था ही, साथ ही साथ सबको हो गया है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। अब मेन बात है कि फेस्टिवल है ना, और इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से। तो चलिए क्या करूँ, वो सब तो मैं शेयर भी नहीं कर पाई आप लोगों से, एक पटाखा चलाने का बहुत कुछ सोची थी कि ऐसा सरील बनाऊँगी, कुछ भी नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। तो चलिए आज के लिए बाय, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अभी के लिए बाय, आप सभी को हैप्पी दिवाली, आज भी दिवाली है, तो जिसका दिवाली अच्छा नहीं भगवान उसका दिवाली अच्छा जाए, और हमेशा ज़िंदगी में रोशनी रहे आप लोगों के। तो आज के लिए बाय।